जो कि भाई इसके अंडे फॉल्स चले गए, 20 दिन हो चुके थे तो भाई इसके अंडे हमने हटा दिए। और ये देखें मेल अभी भी है। भाई हमारे लॉफ्ट की बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों, क्योंकि कई सारे कबूतरों के बच्चे मर चुके हैं और किसी के एक मरे, किसी के दो मरे। तो भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कई कबूतरों के बच्चे मर चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। तो दोस्तों हमारे लॉफ्ट की बहुत बुरी खबर है दोस्तों, क्यों? क्योंकि भाई हमारे लॉफ्ट में कई सारे कबूतर के बच्चे मर गए, कई जोड़े कबूतर के बच्चे, किसी के एक, किसी के दो दो मर गए। तो बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों। तो भाई वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कम से कम भाई एक लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर किया करें क्या आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है या नहीं, या किस कंटेंट पे हम वीडियो बनाएं, तो ये भी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करें दोस्तों। तो चलिए भाई वीडियो को हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कौन से बच्चे मरे हैं। तो आज मौसम थोड़ा बढ़िया था और धूप वगैरह निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को खबर दे दूँ कि क्या क्या हुआ हमारे लॉफ्ट में, तो इसलिए भाई वीडियो बनाया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट में ये जो भाई किंग का बच्चा था, जो मैंने बताया कि भाई शेराजी के कब पैर पाल रहे थे इसको, क्योंकि शेराजी के बच्चे एक पीस मर गए थे, तो एक पीस बचे हुए थे वो भी एकदम बुरी कंडीशन में दोस्तों। तो ये किंग का बच्चा मर गया और एक तो माशाल्लाह ठीक है, ये वाइट वाला अभी ठीक है। ये देखिए दोस्तों, किसी तरीके से कोई ये नहीं है, ना हड्डी मारी हुई है, ना पेट मारे हुए, बट ठंड की वजह से शायद के मर गया। ये एकदम पूरा इसका बदन एकदम बर्फ़ की तरह ठंडा है। तो ये देखिए, एक ये चिक्स मर गया और दूसरा ये देखे दोस्तों, ये जो किंग का पैर देख रहे हैं आप, इसको मैंने भाई देसी के बच्चे दे दिए कुछ दिन के लिए भाई, ताकि ये बच्चे से इसका दिल टूटे ना, क्योंकि भाई इसके कल ही होकर दोनों के दोनों बच्चे मर गए थे, किंग के बच्चे दोनों के दोनों कल ही होकर मर गए। तो इसको फ़िलहाल के लिए भाई देसी के बच्चे दे दिए हमने, कि इसका दिल टूटे ना और बच्चे की याद वगैरह में गमगीन ना रहे। तो ये अभी देख सकते हैं, ये देसी का बच्चा पाल रहा है, सिंगल पीस इस पे रख दिया। और भाई ये जो शिराज का बताया, तो इसके भी बच्चे, ये ब्लैक लक्के के भी एक पीस मर गए थे और एक पीस बचे हुए थे, जो कि कंडीशन उसका थोड़ा ख़राब था, तो उसको हमने देसी पे डाल दिया, क्योंकि भाई देसी अच्छा केयर करते हैं और ये ठंड की वजह से, खाने पीने की वजह से उठ जाते थे कबूतर, तो इसी वजह से शायद के मर गया बच्चा, ठंड लग गया। तो एक बच्चे मर चुके थे, एक बच्चे का कंडीशन थोड़ा ख़राब था तो हमने देसी में रख दिया, अभी अल्लाह का शुक्र है देसी में वो बच्चे ठीक है। और इसको हमने ये शिराज का दे दिया, ये देखे भाई येलो और रेड की जोड़ का शिराज का। तो ये बच्चा का भी कंडीशन एकदम ख़राब है, ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ये, और इस पर क्या मेडिसिन चलाई जाए ये आप लोग कमेंट में बताया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों। तो ये शिराज का बच्चा है, फ़िलहाल के लिए दे दिया इसको भाई, ये लक्के की फ़ीमेल को, ये देख सकते हैं दोस्तों। और हमने इसी वजह से भाई ये शिराज के भी बच्चे को देसी पे रख दिया, क्योंकि देसी अच्छा से केयर करते हैं, तो इसके बच्चे देसी पे रख दिया। और इसको भाई हाई फ्लायर का बच्चा दे दिया, ये देखें हाई फ्लायर का, इसका शौक करें आप लोग, ये हाई फ्लायर का चिक्स है, इसका चोंच देखे भाई कितना छोटा है, शॉर्ट फेस की तरह इसका चोंच है, ये देखें बहुत ही ज़्यादा छोटा है हाई फ्लायर का चोंच, ये देखें। तो इसको ये हाई फ्लायर का बच्चा दे दिया भाई, और इसके बच्चे हमने देसी पे रख दिया, माशाल्लाह इसकी भी कंडीशन ठीक है, देसी पे रख दिया तो भाई, तो इसके बच्चे अभी सेफ है माशाल्लाह, देसी पे महफूज है। और ये देखे दोस्तों, ये येल्लो शिराज का यहाँ पर था, जो कि भाई इसके अंडे फॉल्स चले गए, 20 दिन हो चुके थे तो भाई इसके अंडे हमने हटा दिए। और ये देखें मेल अभी भी है, 20 या 21 दिन हो चुके थे इसके अंडे, और इसके अंडे फॉल्स चले गए थे, ख़राब हो चुके थे, तो इसके भाई अंडे हमने हटा दिए। तो ये समझे कि इसका भी अंडा नुकसान हो गया एक एक जोड़। और मौसम बहुत बढ़िया था दोस्तों, तो इसलिए हमने सारे कबूतरों को खोल दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो कम से कम भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।